ethics aarthi, Madhumita Mukherjee. I promise a better scoring in your physics. चलो मेरा next question देख लो. Next question जो आया था 2017 में बोल रहा है the de Broglie wavelength of an electron in fourth orbit. Bracket में दे दिया r is the radius of first orbit. आपका option is 2 pi r, b is 4 pi r, c is 8 pi r and d is 16 pi r. ठीक है, अभी अभी हमने फास्ट ऑर्बिट का वेवलेंथ निकाला था. ठीक है, और फास्ट ऑर्बिट का वेवलेंथ तो फिर से लगेगा. तो अब देखते हैं वेवलेंथ क्या है. h by p हमको सब कुछ मालूम है. लैम्डा इज वेवलेंथ, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, p इज लिनियर मोमेंटम. अनदर इक्वेशन हमें लिनियर मोमेंटम बोले तो एम भी. ठीक है, अनदर इक्वेशन हमें चाहिए एल इक्वल टू एन इंटू एच बाई टू पाई. दिस इज फ्रॉम सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ बोर. ठीक है, तो हमको क्या करना था, हमको क्या करना था, इधर एल बोले तो एम इंटू वी इंटू आर लिनियर मोमेंटम. एल नहीं लिखा, एल इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम, एल इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम. एम तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये तो पता है. एन इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. क्लियर, एल के जगह एम भी आर दे दिया, एन एच बाई ट्वाइस बाई. फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए लैम्डा अगर निकलना है तो एन कितना हो जाएगा, वन. ठीक है, तो एम भी इक्वल टू एच बाई टू पाई आर फॉर फर्स्ट ऑर्बिट. क्लियर ना, लैम्डा के वैल्यू ले लो, लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम भी इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई एच अपॉन टू पाई आर. इधर से एच एच निकल गया, टू पाई आर, ये तो हमने पहले भी किया था. एक नंबर इक्वेशन लैम्डा फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट, लैम्डा फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट हमें चाहिए फोर्थ ऑर्बिट. ठीक है, तो ये वाला दोबारा कर लिया मैं, थोड़ा सा जगह बना लो मेरे लिए. ये सब आपने नोट कर लिया, ठीक है, ये सब आपने नोट कर लिया, आपको पता चल गया. लैम्डा फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट इज 2 पाई आर 1 लिखो, इफ फर्स्ट ऑर्बिट को मैं फिलहाल आर 1 लिख रही हूँ. ठीक है, आपको दे दिया आर, बाद में मैं इसको 2 पाई आर कर दूंगी, फिलहाल मैंने आर 1 लिख लिया, लैम्डा 1 लिखा इसीलिए आर 1 लिख लिया. ठीक है, ये तो आपको दे दिया. क्लियर, तो नेक्स्ट लाइन भी मैं रब कर देती हूँ. अभी फोर्थ ऑर्बिट के लिए आ जाओ. फोर्थ ऑर्बिट के लिए लैम्डा इक्वल टू अगेन एच बाई पी. एच लैम्डा फॉर फोर्थ ऑर्बिट, फॉर फोर्थ ऑर्बिट डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ फॉर फोर्थ ऑर्बिट चाहिए. फोर ले लिया, एच तो कांस्टेंट, पी फोर कोई डाउट, एच बाई एम तो कांस्टेंट, आर एम बी एम बी फोर कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. इतना आ गया. अभी एल फोर इक्वल टू एम बी फोर आर फोर, फोर्थ ऑर्बिट के लिए मैं लिख रही हूं, इक्वल टू एन एच बाई टू पाई होना चाहिए. सो फोर एच बाई टू पाई. ठीक है, तो क्या हुआ, एम भी फोर इक्वल टू फोर एच बाई टू पाई आर फोर. ये इधर डालना है, देयरफॉर तुम्हारा लैम्डा फोर जो हो गया वो हो गया एच बाई एम भी फोर, फोर एच बाई टू पाई आर फोर.
एक टू हो गया, एच एच निकल गया, रह गया पाई आर फोर डिवाइडेड बाय टू, टू फोर एच एच कट गया, इतना रह गया, इतना रह गया, ठीक है। इसको मेरा इक्वेशन नंबर वन बना लो, इसको मेरा इक्वेशन नंबर टू बना लो। सो लैम्डा फोर बाय लैम्डा वन अगर करे तो पाई आर फोर डिवाइडेड बाय टू इनटू वन अपन दिस, करेक्ट, टू पाई आर वन। सो क्या रह गया, पाई पाई निकल गया, रह गया आर फोर डिवाइडेड बाय फोर आर वन। Now one thing we know, again we know, we know. क्या we know? R is proportional to n square. ये भूलना नहीं। छोटू सा ये इधर आता है, उसके बाद इधर आता है, उसके बाद इधर आता है, उसके बाद इधर आता है। बहुत गैप होता है, n square से R का वैल्यू चेंज हो जाता है, ठीक है। So R four by R one अगर करना है equal to 4 square by 1 square equal to 16 लिख सकती हूँ। तो this is equal to 16, 16 by 4 equal to 4 आ गया। तो lambda 4 equal to 4 into lambda 1, मेरा lambda 1 क्या है, 2 pi r1 बोले तो 4 into, 4 into 2 pi r1 बोले तो 8 pi r, r1 बोले तो r, 8 pi r, clear? क्लियर ना, गड़बड़ नहीं है ना। लैम्डा फोर के लिए एम फोर, एम तो कांस्टेंट, वी फोर भी चाहिए, आर फोर भी चाहिए। फोर्थ ऑर्बिट में वी का वैल्यू आर का वैल्यू दोनों पर्टिकुलर होता है, तो मुझे पी में आर फोर, वी फोर जो है दैट इज टेकन केयर ऑफ बाय पी, मेरा मोमेंटम पी फोर, तो ये आ गया आर के टर्म पे आ गया। अभी लैम्डा फोर बाई लैम्डा वन कर लिया, कर लो तो आपका आंसर आ गया। डिफिकल्ट था? नहीं नहीं, डिफिकल्ट नहीं था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई हैव एक्सप्लेन्ड लास्ट 20 इयर्स क्वेश्चंस लाइक दिस, इफ बेनिफिटेड टू वॉच।